अरे बेगम मरियम, जल्दी खाना पकाओ, जल्दी खाना पकाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज ये क्या बना रही हो? ये बड़े सलाद मलाद काटे हुए हैं, बड़ा खाना बना रही हो। ये कोई सवैयां मेरे ख्याल में मुझे तो नज़र आ रही हैं, कोई सवैयां पका रही हो। और ये या ऊपर कढ़ाई के ऊपर क्या रखा है? बड़ा फैंटास्टिक किस्म का कुछ खाना नज़र आ रहा है। आज पता लग चल रहा है कोई अच्छा किस्म का खाना मुझे खिला रही हो। वैसे तो भूख मिटती नहीं है, एक अरसा थे 40 से अरसा साल से एक अरसा से भूख नहीं मिट रही। बस बटोर बटोर के पैसा हम अंदर डालते रहे हैं, आज वो पैसा हमें बाहर उगलना पड़ रहा है। फिर दोस्त बेगम, आज तो बड़े खाने बना रही हो। एक तो खान साहब हमारे पीछे पड़ा हुआ है, आपका यार बेली, वो तो हमें छोड़ता नहीं है। कुछ खौफ करे, कुछ हमें छोड़ दे, उसकी मेहरबानी है। खाना भी अभी हमारा हजम नहीं हो रहा है। फिर दोस्त बेगम, इनका सिर्फ मकसद ये है अपना बाहर का पैसा कैसे बचाना है। हाँ मेरे प्यारे मियाँ गंजे मियाँ, क्या करें, अभी खाना तो आपके लिए हम पका रहे हैं। ये सब्जियां बनाई हैं, ये चाट बनाया है, ये सलाद मलाद काटा है, ये जबरदस्त किस्म का हमने बिरयानी बनाई है, बड़े खाने बनाए हैं। अभी खाना आपका कैसे हजम हो? एक तो अरसा से आप आवाम का खून चूस रहे हैं और अभी आप जिलावत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उस दौलत का क्या फायदा मेरे प्यारे गंजे मियाँ? उस दौलत का कुछ फायदा है? कमा कमा कर अभी अपने घर के अंदर रहना भी आपको नसीब नहीं है, अपने मुल्क के अंदर अभी आपको रहना नसीब नहीं है। खाना खाएं, खाना भी आपके अंदर कैसे जाए ये तो हो नहीं सकता। एक तो मेरा खान मेरी आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो तो सही है आपके साथ कर रहा है, एक अरसे से आप ऊपर मसलत हैं, कुछ छोड़ देते तो बेहतर होता, कुछ सानिया अपने आप लिए के लिए पैदा करते, अभी तो फिरते रहो चक्रों में। अरे प्यारी बेगम, फिर दोस्त तू तो मिना डरा, अभी सारे डरा रहे हमें, तो हम किधर जाएंगे? हमारे लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। आप खान साहब से हमारी सिफारिश करते हैं, हम बड़े परेशान हो चुके हैं प्यारी बेगम। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। योलो। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये एक फ़नी खाका है, इसका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। यह सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट और इंसाने के लिए और रिफ्रेशमेंट देने के लिए है। थैंक्स।